कि वो डेथ हो चुकी थी उनकी, वो जीवित हो गई, जीवित हुई है। 3 घंटे बाद उसको हल्की से सांस आई, हे बालाजी, राम राम करके लड़की हमारी खड़ी हो गई। जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मरी लड़की जिंदा हो गई। बागेश्वर धाम में ये 15 मई की घटना है। एक माँ अपने बेटी को लेकर टूरला लाती है, तभी डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े करके उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया, लेकिन माँ हार नहीं मानी। माँ ने बेटी को जैसे तैसे करके बागेश्वर धाम लाती है और मंदिर की परिक्रमा की प्रतिक्रिया पूरी कर लेती है, फिर बच्ची को लेकर अन्नपूर्णा के भंडारे के पास पहुँच जाती है। उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और भीड़ में भगदड़ हो जाती है। उसके बाद माँ बेटी का साथ छूट जाता है और बेटी के ऊपर से 3-4 हजार लोग गुजर जाते हैं, जिससे माँ इधर उधर चिल्लाने लगती है। फिर कुछ घंटे बाद उसको अपनी बेटी मिलती है, तब तक बेटी का चेहरा और खराब हो जाती है और माँ बेटी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं और सब कहते हैं कि लड़की तो मर चुकी है, और मामा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वही बागेश्वर धाम में दरबार चल रहा था, तभी वहाँ के एक कर्मचारी इस घटना के बारे में गुरुजी को बताते हैं। तभी गुरुजी ने कर्मचारी को भभूति दे देते हैं और कहते हैं, जाओ इस भभूति को उस बच्ची के मुख में डाल देना। फिर कर्मचारी वहाँ लड़की के माँ को भभूति दे देते हैं और कहते हैं कि इस भभूति को लड़की के मुँह में डाल दो। तभी माँ जैसे ही उस भभूति को बच्ची के मुख में डालती है, उसके 3 घंटे के बाद उस बच्ची का सांस चलने लगती है और लड़की सीताराम बोलते हुए खड़ी हो जाती है। और सभी लोग जो कहते थे कि लड़की मर चुकी है, अब उस लड़की को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। आपको ये बागेश्वर बाबा का चमत्कार कैसा लगा? कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।